हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कगड़ा। हाँ तो गाइस, सूर्या सर की अपकमिंग मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कंगुवा वर्ल्ड वाइड लेवल पे ट्रेंड कर रहा। आप ऑल सोशल मीडिया पर विजिट कर ले, प्रमोशंस, इंटरव्यू और भी काफी सारे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं जो कि कंगुवा मूवी की टीम की तरफ से किए जा रहे हैं। और कौन बोलता है कि भाई साहब हिंदी प्रमोशन नहीं होता। भाई साहब मल्टीपल अपडेट्स लेकर आया हूँ कंगुवा मूवी के बारे में, इसके वर्जन के बारे में, हिंदी रिलीज के बारे में और भी काफी सारी चीजें। तो अच्छे से बात करते हैं। पहले आप वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाकि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, हिंदी प्रमोशन इतना दबाकर होने वाला है कि ऑल सूर्य सर के फैंस ने, और स्पेशली जो भी लोग बोलते हैं ना कि भाई साहब साउथ की मूवियां प्रमोशन नहीं करती, तो भाई साहब ये मूवी बताएगी, यानी कि कंगुवा मूवी बताएगी प्रमोशन किसे बोलते हैं। क्योंकि हिंदी वर्जन का इसका प्रमोशन की जो कॉस्ट आई है 15 करोड़ प्लस की आई है। मतलब आप समझ रहे हैं, मूवी की टीम भाई साहब, होल इंटायर टीम भाई साहब 15 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है ओनली जस्ट नॉर्थ हिंदी बेल्ट के प्रमोशन के लिए। आप ये मत बोलिएगा कि साउथ इंडस्ट्री प्रमोशन नहीं करती है, तो 15 करोड़ की इसकी कॉस्ट आई है प्रमोशंस की। वहीं भाई साहब मुंबई में विजिट किए हैं, IMDb का भाई साहब इंटरव्यू हुआ है, अपनी क्या नाम है, मेरे को पता नहीं, किसको पता नहीं, दिशा को पता नहीं, हाँ तो भाई दिशा पता नहीं, डायरेक्टर शिव वन एंड ओनली सूर्या सर, इनके भाई साहब IMDb के लिए इंटरव्यू है जो कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने कंप्लीट कर लिया और मुंबई में विजिट किया। तो फैन वॉर नहीं, वो फैन का एक माहौल, मतलब कि क्राउड देखने को मिला जो कि हर कहीं यार देख लो यार कितना पावरफुल है। वहीं अगर अपन बात करें USA प्रीमियर की, तो 13th of November को, यानी कि 13 नवंबर को ये प्रीमियर होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके मल्टीपल वर्जन होने वाले, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। भाई साहब ऑल लैंग्वेजेस में, ये तो पहले 3D में आने वाली है, और आप खुद सोचो ट्रेलर, सजल टीजर और ट्रेलर अपने को कितना मजबूत क्वालिटी में देखने को मिला, कितना बड़े स्किल पर अपने को VFX देखने को मिला। तो एक पल के लिए आप मेंटेलिटी सोचो आप एक बार कि यार जब ये 3D में हुआ तब क्या होगा। मतलब आप एक बार खुद सोचो कि 3D में इतना तगड़ा VFX, सिनेमेटिक ग्राफिक, डायरेक्शन, BGM देवी श्री प्रसाद का, मतलब कि चारों ओर तबाही है। 3D में भाई सब ऑल लैंग्वेज में आने वाले, 4DX में ओनली जस्ट तमिल में आ रही है, और D-Box ओनली जस्ट तमिल में आ रही है। मतलब कि 3D में अपन ऑल लैंग्वेज में देख सकते हैं, बाकी अदर वर्जन थोड़े से अलग होने वाले हैं। वहीं अगर अपन बात करें भाई साहब IMAX वर्जन में कम्प्लीटली हर लैंग्वेज में दिखाई देने वाली है। और मैं आप लोगों को बताऊं ना, इस बार PVR, INOX, मल्टीप्लेक्स, सिनेपोलिक्स भाई साहब ऐसा सैल्यूट करने वाले हैं डायरेक्टर शिव को और सूर्या सर को। हाँ सर आप आओ ना, हाँ सर आओ सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं थिएटर के बाहर, हम थिएटर के अंदर, मतलब कि इस तरह से रेस्पॉन्स दिखाई देने वाला है। क्योंकि PVR INOX वाले यार भाई साहब हर पिक्चर में गुरंडी रोना चलते रहता है इन लोगों का कि भाई ये वो ऐसा वैसा। तो प्रॉपर तरीके से डायरेक्टर शिव ने और मूवी की टीम ने भाई साहब सारी चीजें शॉर्ट आउट कर दी है। हिंदी रिलीज PVR एंड INOX कन्फर्म्ड। और मैं आप लोगों को बताऊं ना, अगर मैं प्रिडिक्शन भी दूं ना, तो ए डे वन का भाई साहब इजिली 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रिएट करने वाली है। लेकिन फाइनल प्रिडिक्शन थोड़े दिन के बाद आएंगे, जब अपने को कुछ सेकंड ट्रेलर का कुछ सिनेरियो बनने वाला है, जैसे ही कुछ उससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप बताओ आपको क्या लगता है कंगुवा मूवी के बारे में, इसके मल्टीपल इंटरव्यूज के बारे में, 3D INOX वर्जन के बारे में, हिंदी रिलीजिंग के बारे में, PVR INOX मल्टीप्लेक्स के बारे में, क्या लगता है अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।